स्टेट के मॉडल की चर्चा। देखिए पहले भी कह रहे थे छत्तीसगढ़ मॉडल पहले असम में बोहा गए, अब यहाँ पे तो जो उत्तर प्रदेश में है वो बुड़ा गए। तो छत्तीसगढ़ मॉडल जो ने बोला पूरा देश है नकार दे है। और छत्तीसगढ़ मॉडल के बेस पे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव मांगे पर गे रही, वोट मांगे पर गे रही और बोलत रही कि अब गुजरात मॉडल के चर्चा नहीं होते, अब छत्तीसगढ़ मॉडल के चर्चा होते। ये जो उन पांच राज्य के रिजल्ट आई ना वो में समझ में आ जाए कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो ने वो डुबोए काम करते, बोड़े के काम करते, वो उभारे के काम नहीं करे। देखिए हमारे एक भी प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का हमारा विरोध नहीं है, परंतु स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर हिंदू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में जो घोर अन्याय हो रहा है उनके ऊपर में हम ये कहेंगे तो उनके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश है। हिंदी स्कूलों में जितने शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र कर अंग्रेजी स्कूलों में ले जाया जा रहा है, और ऐसे शिक्षक जिनका भी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, जिनकी भर्ती हुए 6-7 महीना हुआ है, वो पैसा देकर अपने मनमाफिक जिलों में और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पहुंच रहे हैं। मैंने सदन में भी आरोप लगाया है कि सिर्फ एक जिले में बिलासपुर में कलेक्टर ऑर्डर कर रहा है कि जसपुर का शिक्षक यहाँ डेपुटेशन पर लिया जाता है, मुंगेली का शिक्षक लिया जाता है, अंबिकापुर का शिक्षक लिया जाता है, रायगढ़ का शिक्षक लिया जाता है। अरे सरकार क्या करेगी अगर कलेक्टर ऐसा आदेश करेगा तो? और मेरी जानकारी में बिना सरकार की अनुमति के ऐसे आदेश हुए हैं और बहुत बड़ा लेन देन इसमें हुआ है। तो हिंदी स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, हिंदी स्कूलों के शिक्षकों को नहीं हटाया जाना चाहिए। और अगर आपको बिलासपुर जैसी जगह पर जहाँ पर 3-3 यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर 25 से ज़्यादा कॉलेज है, वहाँ पर नए लोगों की भर्ती करने के बजाय डेपुटेशन पे क्यों लिया गया? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार करना था, उसमें पैसा खाना था। स्वामी आत्मानंद जी छत्तीसगढ़ के एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के अनन्य अनुयायी थे, जिनको पूरे देश में पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो कम से कम ऐसी उनके नाम से खोले जाने वाली स्कूलों के नाम पर और हिंदी स्कूलों के बच्चों को भविष्य को बर्बाद नहीं किया जाए। वहाँ पर जो खरीदी हो रही है उसके कोई नियम कायदे कानून नहीं है। अरे आपका शिक्षा विभाग, आपको समिति अलग से बनाने की ज़रूरत क्यों है? अलग से समिति बनाकर उन स्कूलों को संचालित किया जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? DMA फंड से पैसा ले जा रहे हैं। तो स्वामी आत्मानंद जी जैसे महान पुरुष के नाम से खोली गई स्कूलें जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं, और हिंदी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मंत्री जी ने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। शासकीय नौकरी में भर्ती को लेकर के लगातार देखे थे, सरकार ने दूसरे पर जवाब नहीं आ पाया। आज 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, डेली वेजेस को हम नियमित करेंगे। हम जो है वो 7वां वेतनमान देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाएंगे, सहायिकाओं का वेतन बढ़ाएंगे, मितानिनों का वेतन बढ़ाएंगे। आज 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर है, जो सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में हमने आज चाहा था कि सदन में इसकी चर्चा करवाएं, परंतु अध्यक्ष जी ने उसको अग्राह्य कर दिया है। ये सरकार अब इसका जाने का समय आ गया है कि हर किसी के साथ में सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, विरोध करने वालों को जेलों में डाल रही है। सर, ये प्रश्नकाल के दौरान आपने उसको लेकर आपने नाराजगी जाहिर की थी। देखिए बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सदन का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है और सदन के प्रश्नकाल में मंत्री उसको बाधित करें और कमेंट्स करें, ये अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि सदन का आज दूसरा दिन ही है, पहला प्रश्नकाल है, इसलिए हमने अध्यक्ष जी को आगाह किया है कि वो उसको नियंत्रित करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह होगा कि प्रश्नकाल कम से कम मंत्री बाधित नहीं करें, इस बात को ध्यान दें। कुछ है ही नहीं, जो मुख्य बजट है उसका 25% पैसा विकास में खर्च नहीं हो रहा है, तो अनुपूरक बजट तो खाली खाना पूर्ति है। और जिस प्रकार से ये सरकार
सदन को अपनी उंगलियों पर चलाने की कोशिश कर रही है कि कभी भी राज्यपाल जी का भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आज तक दो दिन से कम समय में नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें सभी लोग अपनी बातों को रखते हैं, परंतु ये सरकार उस दो दिन के समय को कम कर एक दिन कर दिया, और एक दिन के समय में भी अचानक कार्यसूची में और ये छप गया कि अब सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आधा दिन का भी समय नहीं देना ये सदन का भी अपमान है, संसदीय परंपराओं का भी अपमान है, और ये मुझे लगता है राज्यपाल जी का भी अपमान है। अगर चाहते हैं अगर सप्लीमेंट्री बजट आज ही लेना है तो राज्यपाल जी के बजट पर चर्चा कल कर सकते थे, हम भी सप्लीमेंट्री में भाग लेते, परंतु ये सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती। ये सरकार चाहती है कि अपनी मनमानी कर और जल्द से जल्द सदन समाप्त हो जाए। खाली ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये जगलरी है, ये वास्तविक नहीं है। अगर आप इस सर्वेक्षण को देकर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो बताएगा कि खाली ये आंकड़ों का माया जाल है, छत्तीसगढ़ वास्तव में जो विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है।